और फिर अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं जहां पे हमने कल कंप्लीट किया था। आ गए सभी लोग? गुड मॉर्निंग नितिन, हाउ आर यू? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास हो ना, सभी घर पे हो ना? हाँ, घर पे ही रहना है सभी को, बाहर नहीं जाना बिल्कुल भी। आजकल सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। आ गए ना सभी लोग? कल हमने स्टार्ट किया था सिलोलिज्म, है ना। सिलोलिज्म का हमने यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया था कि कॉन्सेप्ट क्या है उसका, और आज बारी है क्वेश्चनों को करने की, है ना। प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों पे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की ट्राई करेंगे, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा कि किस तरीके से क्वेश्चनों को करना है। एक चीज और पूछना चाहता हूँ मैं आपसे कि आपको पता है कि आपकी जो क्विज है रोजाना अपडेट हो रही है, तो आप लोग क्विज भी ट्राई करते हो या नहीं करते? करनी चाहिए वैसे क्विज आपको ट्राई, है ना। आज सुबह मॉर्निंग में भी सिलोलिज्म की क्विज भी आई होगी, तो आप लोगों को ट्राई करनी चाहिए। उससे आपको क्या होगा, जब आप क्विज ट्राई करोगे तो आपको डाउट निकल के आएंगे बाहर। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चनों की, तो हमेशा डाउट निकल के बाहर आते हैं, और डाउट आएंगे तभी आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ रही है और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। इसलिए आपको क्यूज दी जाती है कि क्यूज आप कर लो, ऑनलाइन कर लो। जब आपका ऑफलाइन शुरू हो जाएगा तब आपका ऑफलाइन एग्जाम लगा के देख लेना आप लोग, ठीक है। अभी तक मैं भी यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 तक, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने पीछे कर लिया था, और मैं भी मुझे लगता नहीं कि किसी का कोई डाउट होगा। अगर डाउट है तो बताइए, है किसी का डाउट? किसी का कोई डाउट है? एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है अपने यहाँ कि हमारे यहाँ पे एक चीज है कि जो बैंकिंग वाला बच्चा है ना, उसका ज्यादा इंटरेस्ट होता है पढ़ाई में, ना मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एसएससी वाले नहीं पढ़ते, लेकिन बैंकिंग वाले बच्चे ऐसे हैं कि फोकस पूरा करते हैं ना। बहुत अच्छी बात है ये। आप लोग कंटिन्यू क्लास में बन रहे हो, आ रहे हो कंटिन्यू, चाहे आपकी 40 मिनट की क्लास हो रही है या आपकी 1.5 घंटे की क्लास हो रही है, लेकिन आप कंटिन्यू आते हो, वेरी गुड। आपका जो प्रिपरेशन चल रही थी वो छूटेगी नहीं, वरना बीच में जो फ्लो खराब हो गया था, कुछ दिन क्लास नहीं चल पाई थी, उससे थोड़ा सा फ्लो खराब हो जाता है और बीच में जो प्रिपरेशन होती है वो रुक जाती है। लेकिन आपको कोई नहीं, अगर आपने ये टॉपिक पहले भी किया है तो आपको कम से कम प्रैक्टिस तो हो रही है, रिवीजन तो हो रहा है, ठीक है। अब करें स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, करें सॉल्व। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 को आपको सॉल्व कैसे करना है। रेडी? चलिए तो फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है, और वेन डायग्राम के बाद आपको कंक्लूजन मैच करना है कि कंक्लूजन आपको कौन सा कंक्लूजन उस वेन डायग्राम में फॉलो करता है ना, और कौन सा फॉलो नहीं करता, राइट। सबसे पहले आपको ये करना है। चलिए अब देखिए, इसने आपको पहली स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा है कि ऑल स्टोन्स आर वाटर। उसने कहा है जितने भी स्टोन्स है तो आप स्टोन्स ले लो, और सभी स्टोन्स क्या है कि सभी स्टोन्स क्या है, वाटर है, तो इसके बाद आप क्या बना दो, वाटर बना दो, राइट। सेकंड में आपको कहा है कि सम वाटर आर क्लीन, वाटर का कुछ पार्ट लो और किस में बना दो, क्लीन में, राइट। तो ये हो गया आपका वेन डायग्राम, राइट, क्लियर सबको। अब पहला कंक्लूजन क्या कहा है, उसने कहा है कि कुछ वाटर स्टोन्स है, तो आप देखो क्या वाटर का कुछ पार्ट स्टोन्स है, तो वाटर, देखो मैंने कल भी आपको बताया था कि वाटर से वो स्टोन्स की ओर जा रहा है, वाटर से किसकी ओर जा रहा है, स्टोन्स की, तो वाटर है बाहर, और बाहर से अगर अंदर की ओर गया, और बाहर से अंदर जाने पे अगर सम दे रखा है तो सही होगा, अदरवाइज अगर उससे अलग कुछ दे रखा है तो वह क्या होगा, गलत होगा। इसका मतलब पहला कंक्लूजन आपका क्या हो गया, राइट हो गया, क्लियर। दूसरे में कह रहा है कि ऑल क्लीन आर वाटर, कह रहा है पूरा का पूरा क्लीन, जितना भी क्लीन वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा क्या है, वाटर। अब आप खुद देखो क्या ये क्लीन वाला सर्कल वाटर के अंदर है, नहीं है ना, सिर्फ कुछ पार्ट है ना, ये कह रहा है ऑल, तो इसलिए सेकंड वाला आपका क्या हो गया, गलत।
फर्स्ट राइट, सेकंड गलत, तो ऑप्शन नंबर आपका फॉलो करेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आपको शुरू में ही मैंने ऑप्शन दिखाए थे कि किस तरीके से ऑप्शन आते हैं। अगर पहला कंक्लूजन सही होता है तो पहला ऑप्शन लगता है ना, क्योंकि पहले में आपको गिवन होता है ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ठीक है। अगर आपका दूसरा कंक्लूजन सही है तो दूसरा ऑप्शन लगेगा, फिर आइदर और का, फिर ना इधर, है ना, इस तरीके से आपके ऑप्शन लगते हैं। राइट, हो गए यहाँ तक क्लियर है सभी को? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो या थम इम्प्रेशन कर दो जल्दी से कि सभी को क्लियर है। अगर सभी को क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी गुड नितिन, अरुण, वेरी गुड। चलिए हो गया यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड सुशांत, क्वेश्चन नंबर फोर पा जाओ। क्वेश्चन नंबर फोर थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ना। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कहा है, पहले आपको स्टेटमेंट दे रखी है कि सम कीज आर लॉक, है ना, कुछ की क्या है लॉक्स है। और मैं आपको बताना चाहूँ सभी लोग ना, इस पीडीएफ के जितने भी क्वेश्चन करते हैं आप प्रेफर करना इंग्लिश को, है ना, क्योंकि हिंदी में जब कन्वर्ट कन्वर्जेशन होता है तो हिंदी में हो सकता है ऊपर कुछ और लिखा हुआ एलिमेंट आपका, मैंने बताया था कि ये आपके क्या होते हैं एलिमेंट होते हैं, तो हो सकता है हिंदी में एलिमेंट कुछ और लिखे हुए होंगे जब कन्वर्जेशन की गई थी, और इंग्लिश में कुछ और हो, तो आप एक बार इंग्लिश में देख लेना, है ना, वहां से आप अपना मैच कर लेना। पहला कह रहा है सम कीज आर लॉक, कह रहा है कुछ की, तो आप की बना लो, और की का कुछ पार्ट क्या है लॉक्स है, तो आप ये हो गया लॉक्स। राइट, नेक्स्ट में कह रहा है कि सम लॉक्स आर नंबर, कुछ लॉक्स क्या है नंबर है, तो ये हो गई आपके नंबर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ऑल नंबर आर लेटर, कह रहा है सभी नंबर, ये जितने भी नंबर बनाए ये सभी क्या है लेटर है, तो ये बना दिया आपने लेटर। राइट, उसके बाद कह रहा है ऑल लेटर आर वर्ड्स, का है सभी लेटर क्या है वर्ड है, तो अब ये बोल रहा है कि जितने भी आपने लेटर बनाए ये सभी आपके क्या है वर्ड है, तो आप बस उस सर्कल को ध्यान दो जो आपको बोल रहा है, ये आपने बना दिया वर्ड्स। राइट, बना दिया, ये आपने सभी ने बना लिया होगा। अब आपको पहला कंक्लूजन क्या पूछा है, पहला आपसे पूछा है कि सम वर्ड आर नंबर। अब आप खुद देखो कि क्या वर्ड वाले के पार्ट में नंबर है, तो देखो ये रहा वर्ड और ये है नंबर, तो वर्ड से नंबर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, और अंदर की ओर जाते हुए आपका सम फॉलो करता है, और सम ही आपको यहाँ पे दे रखा है, इसका मतलब पहला कंक्लूजन आपका क्या हो गया, सही हो गया। राइट, सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या कह रहा है, सम लॉक्स आर लेटर, कह रहा है कुछ लॉक्स क्या है लेटर है, देखिए यहाँ पे ये हो गया लॉक्स वाला पार्ट, है ना, ये लॉक्स वाला सर्कल हो गया, और ये हो गया आपका लेटर वाला सर्कल, ये वाला बीच वाला, है ना, तो लॉक और लेटर का कुछ पार्ट कॉमन है, और इसने यही कहा है कि कुछ लॉक्स क्या है लेटर है, सेकंड भी आपका क्या हो गया सही हो गया। इसका मतलब यहाँ पे आपका बोथ कंक्लूजन, ऑप्शन कौन सा लगेगा जिसमें आपका लिखा हो बोथ कंक्लूजन फॉलो, ये लिखा हुआ है ना, बोथ कंक्लूजन फॉलो, इसका मतलब है दोनों निष्कर्ष क्या है मान्य है, दोनों निष्कर्ष मान्य है, ये वाला ऑप्शन आपका लास्ट में ऑप्शन गिवन होता है, फिफ्थ ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन में से होता है, ये दोनों निष्कर्ष मान्य है, ये आप ऑप्शन लगा देना। राइट, क्लियर है सभी को? हो गया। सबसे पहले आप वेन डायग्राम बनाओ, जितने भी स्टेटमेंट आपको दे रखी है, और वेन डायग्राम को बनाने के बाद आप ये देखो कि कौन सा कंक्लूजन उसमें फॉलो करता है और कौन सा फॉलो नहीं करता। क्लियर है? चलिए सलोनी चौहान, क्लियर नहीं हुआ बेटा, अगर क्लियर नहीं हुआ तो मैं दोबारा बता देता हूं। दोबारा
दोबारा से बताओ। चलिए दोबारा देख लीजिए, अगर क्लियर नहीं हुआ देखिए आप लोग। पहली स्टेटमेंट में कहा था कि कुछ की क्या है, लोक्स है, तो आपने ये की बना लिया। ये आपने देखो ये बनाया की वाला सर्कल, है ना, ये की वाला सर्कल बनाया। और की वाले सर्कल को चलो मैं एक बार आपको दोबारा बता दूं, ये आपने यहाँ पे बनाया की, तो ये हो गया आपका की। और कह रहा है की का कुछ पार्ट क्या है, लोक्स, तो आपने ये बनाया लोक्स यहाँ पे, है ना। फिर आपको कहा है कि सम लोक्स आर नंबर, कह रहा है कुछ लोक्स क्या है, नंबर है। तो जब लोक्स को कहा है तो लोक्स का ही कुछ पार्ट किसमें बनाओ, नंबर में बनाओ, है ना, की तरफ मत बनाओ, लोक्स की तरफ बनाओ। देखो की से लोक्स को जोड़ा, है ना, और लोक्स से किसको जोड़ा, नंबर को। और फिर नंबर कह रहा है सभी नंबर क्या है, लेटर। तो अब कह रहा है जितने भी नंबर आपने बनाए वो सभी क्या है, लेटर है। तो इसके बाहर आपने ये बना दिया यहाँ पे लेटर, ये आ गया आपका लेटर, राइट। उसके बाद कह रहा है कि ऑल लेटर आर वर्ड, तो जितना भी लेटर आपने बनाया, ये आपने पूरा लेटर का सर्कल था, इसको कवर कर दिया किससे, वर्ड से। तो ये बाहर वाला सर्कल कौन सा हो गया, वर्ड्स, ये आपका वेन डायग्राम हो गया। ये तो क्लियर होगा। अब आपको पहला कंक्लूजन पूछा है कि सम वर्ड्स आर नंबर, कह रहा है कुछ वर्ड क्या है, नंबर है। तो आप ये देखो कि वर्ड का कुछ पार्ट नंबर में है या नंबर का कुछ पार्ट वर्ड में हो। तो आप यहाँ पे कैसे देखोगे, आप देखोगे कि ये रहा आपका नंबर और ये है वर्ड बाहर, है ना, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हो। कल मैंने बताया था जब बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो सम वाला कंक्लूजन क्या होता है, सही होता है। जिसमें सम गिवन होता है वो क्या होता है, सही। अदरवाइज इसके अलावा जो भी गिवन होगा वो सब क्या होगा, गलत होगा, है ना। तो पहला कंक्लूजन आपका क्या हो गया, राइट हो गया। सेकंड में आपको क्या कह रहा है, कह रहा है सम लोक्स आर लेटर, कह रहा है कुछ लोक्स क्या है, लेटर है, है ना। तो आप देखो क्या लोक्स, ये हो गया आपका लोक वाला सर्कल, है ना, और ये हो गया लेटर वाला सर्कल, ये आपका सेकंड वाला सर्कल। तो लोक्स और लेटर का कुछ पार्ट कॉमन है ना, दे रखा है आपको। तो सेकंड भी आपका क्या हो गया, राइट हो गया। अब क्लियर है, दोनों आपके सही है, तो आपका ऑप्शन होगा बोथ आर फॉलो। अब तो क्लियर हो गया होगा, नेक्स्ट पे चले। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, कोई बात नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सेम क्वेश्चन है, आपको खुद से करना है, बिल्कुल सेम। देखिए सम सम का केस पूछ रहा है ना, ऑल ऑल की आपको स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है, ये आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर सिक्स ये मैं करा देता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार इस तरीके का क्वेश्चन पूछा भी गया है। आपने अगर क्विज ट्राई की होगी तो क्विज में भी इस तरीके का क्वेश्चन गिवन है, है ना, मैंने भी देखा था क्विज को, तो क्विज में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रखा है। अब आप लोग इसके बाद क्विज लगा के देखना सिलोरिज्म की, ठीक है, तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपके राइट जाएंगे। देखिए पहला आपको क्या कहा है, कह रहा है कोई भी कलर क्या नहीं है, पेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि नेगेटिव स्टेटमेंट जब आपको गिवन होती है तो उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्राई करना या सोल्व करना टफ होता है। टफ भी नहीं होता, अगर आपको अच्छे से उसका वेन डायग्राम पता है या कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसने कहा है नो कलर इज द पेंट, तो आपको बोला है कि नो कलर, तो पहला आप कलर वाला सर्कल बनाओगे। कह रहा है कोई भी कलर क्या नहीं है, पेंट नहीं है, कोई भी कलर पेंट नहीं है। तो उसके बीच में इस तरीके से आप एक लाइन दिखाओगे क्रॉस से, है ना। इसका मतलब यह है कि कोई भी कलर पेंट नहीं है, मतलब ये वाला भाग नहीं है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि ये वाला भाग भी क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा, राइट। उसके बाद कह रहा है कि नो पेंट इज ब्रश, कह रहा है कोई भी पेंट क्या नहीं है, ब्रश नहीं है, ये हो गया। कोई भी पेंट क्या नहीं है, ब्रश नहीं है, ये आपका वेन डायग्राम बन गया, क्लियर है। अरुण कह रहे हैं आइदर ओर, चलिए आइदर ओर का भी मैंने वैसे कॉन्सेप्ट सिखाया नहीं आपको, ठीक है, अगर आइदर ओर बन रहा होगा तो मैं बताऊंगा कैसा बनेगा आइदर ओर भी, आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे पहले, उसके बाद आप बताना। पहला कंक्लूजन देखिए, वो आपसे कह रहा है कि नो कलर इज ए ब्रश, कोई भी कलर क्या नहीं है, ब्रश नहीं है। कह रहा है कोई भी कलर क्या नहीं है, ब्रश नहीं है। देखो इस कलर को कह रहा है ब्रश से, आपको उसने बताया था कि कोई भी कलर क्या नहीं है, पेंट नहीं है, है ना। अगर मैं आपको कहूँ कि इस कक्षा में 10 विद्यार्थी है तो, और मैं पूछता हूँ क्या इस कक्षा में 5 विद्यार्थी है, तो आप बिल्कुल कहोगे हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपको 10 के बारे में बता रखा है, तो 5 तो हो गई। लेकिन अगर 10 बता के मैं आपसे पूछ लूँ कि 20 विद्यार्थी है, तो आप कहोगे सर 10 बताया था, 20 पूछ रहे, ये गलत है ना। तो वही बात यहाँ पे है कि कलर को उसने पेंट से बताया था,
तो कलर से पेंट को पूछ सकता है, उसने पूछा है कलर से किसको, ब्रश को। तो कलर और ब्रश के बीच में मुझे कोई रिलेशन नहीं पता, और नहीं पता होने का मतलब है कि आपका कंक्लूजन क्या है, गलत है, राइट। दूसरे में कह रहा है कि ऑल ब्रशेज आर कलर, कह रहा है जितना भी ब्रश वाला सर्कल है ये किसके अंदर है, कलर के, तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो दिख ही नहीं रहा। तो यहाँ पर आपके दोनों कंक्लूजन क्या हो गए, गलत हो गए, राइट। यहाँ पर आपके दोनों कंक्लूजन क्या हो गए, गलत हो गए। अगर दोनों कंक्लूजन गलत है तो एक बार हम ऑप्शन मैच कर लेते हैं कि ऑप्शन हमें जब शुरू में ऑप्शन गिवन थे तो ऑप्शन किस तरीके से दे रखे थे, उसमें आइदर का ऑप्शन था या नाइदर का ही ऑप्शन था, अगर क्योंकि आइदर भी लग सकता है नाइदर भी लग सकता है ना, डिपेंड करता है ऑप्शन में। तो मैं आपको एक बार ऑप्शन दिखा देता हूँ, शुरू में ऑप्शन आपको क्या दे रखे थे, ये दे रखे हैं आपके ऑप्शन, है ना। यहाँ पे आपको दे रखा है, डायरेक्शन दे रखी है कि क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 से 9 के बीच के, है ना, आपको दे रखा है कि एग्जाम्पल 1 से 9 के बीच के आपको जो ऑप्शन मैच करने हैं वो ऑप्शन आपके ये दे रखे हैं। उसने कहा है सिर्फ फर्स्ट फॉलो करता है, सेकंड फॉलो करता है, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, एक बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, आइदर दे रखा है लेकिन नाइदर वाला नहीं दे रखा, तो इसका मतलब नाइदर नहीं बनेगा। अब मैं बात करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आइदर आप लोग कैसे लगाओगे, है ना, आपको पता होना चाहिए ना कि इसमें आइदर लगेगा कैसे, क्योंकि आपके दोनों कंक्लूजन गलत है। दोनों कंक्लूजन गलत होने पर तो आपका नाइदर लगना चाहिए, लेकिन अब इसका आंसर आइदर कैसे लगाओगे उसको देखते हैं। ये आप पहला ये क्वेश्चन था, तो इसमें आपको अभी याद रखना कि देखिए, अब मैं आपको एक ऐसा केस समझा रहा हूँ आइदर का, वैसे तो ये आगे आता है आइदर का कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं आपको अब यहीं पे क्लियर कर रहा हूँ कि आइदर है क्या। अब ये आइदर वाला ऑप्शन कब लगता है ना, ये आइदर और कॉन्सेप्ट, तो आप हेडिंग डाल लेना आइदर और कॉन्सेप्ट है क्या, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स कि आइदर और कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए पहली चीज तो आप याद रखना कि आइदर वहां पे लगता है जहां पे आपको दो कंक्लूजन दे रखे हो, या तो दो दे रखे हो या तीन दे रखे हो या आपको चार दे रखे हो। आप ये मत सोचना कि हमेशा दो ही कंक्लूजन देगा तभी आइदर लगेगा, आपको दो भी दे सकता है, तीन भी दे सकता है, चार भी दे सकता है, इनमें से अगर कोई भी आपको देता है 2 3 4 तो आपका आइदर और लग सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, है ना। और दूसरी बात यह है कि आइदर और हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में लगता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, अब ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या बनता है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि एक दूसरे के पूरक, है ना, पूरक मतलब एक दूसरे के अपोजिट। अब अपोजिट कैसे हो गए, अपोजिट किस तरीके से हो सकते हैं, पेयर, पेयर का मतलब होता है कि आपको एटलीस्ट दो कंक्लूजन चाहिए चाहिए। पेयर का बनता है जब आपको दो कंक्लूजन गिवन हो तभी आपका इधर और लग सकता है, अगर आपको सिर्फ एक कंक्लूजन दे रखा है तो इधर और कभी नहीं लगेगा। क्लियर ये बात, तो आपको कितने कंक्लूजन चाहिए, एटलीस्ट दो चाहिए ही चाहिए, एटलीस्ट दो आपको चाहिए ही चाहिए, तब आप इधर और की सोच सकते हो कि इधर और लगेगा, है ना। तो इधर और में क्या होता है, इधर और में आप लोग आगे देखो पीडीएफ में भी मैंने आपको दे रखी है कंडीशन की इधर और कहाँ पे लगता है, है ना, आप लोग वहां से भी नोट कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि कैसे आप देखोगे कि आइदर और लगेगा या नहीं लगेगा। तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है, इसकी चार कंडीशन होती है आइदर और की, जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी वहीं पे आपका आइदर और लगेगा, अदरवाइज आइदर और नहीं लगेगा, ठीक है। पहली कंडीशन ये है कि आपके जो दो कंक्लूजन गिवन होते हैं, कंक्लूजन दो गिवन होते हैं, कंक्लूजन फर्स्ट कंक्लूजन सेकंड, पहली चीज तो ये है कि दोनों कंक्लूजन आपके गलत होने चाहिए, है ना, तब आप कोशिश करोगे आइदर और लगाने की। क्या होने चाहिए, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, राइट। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि दोनों कंक्लूजन के अंदर जो कंक्लूजन आपके दो गिवन होते हैं, कंक्लूजन फर्स्ट कंक्लूजन सेकंड, तो इन दोनों कंक्लूजन के अंदर जो एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं वो एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए इस क्वेश्चन में मैं आपको साथ के साथ क्लियर करता चल रहा हूँ, पहली कंडीशन क्या थी, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, तो देखो पहले वाला भी गलत है और दूसरे वाला कंक्लूजन भी गलत है, है ना, तो आपका इधर और कहाँ पर लगेगा, जहां पे दोनों कंक्लूजन गलत हो, ठीक है।
अब दूसरी कंडीशन क्या है कि एलिमेंट सेम, तो आप देखो यहाँ पे देखो पहले वाले ऑप्शन में आपको दे रखा है कलर और दूसरा दे रखा है ब्रश, ऐसे ही दूसरे वाले में आपको दे रखा है ब्रश एंड कलर, तो एलिमेंट आपके क्या है बिल्कुल सेम है, तो पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी है। फर्स्ट कंक्लूजन कैसा गलत है? देखिए फर्स्ट कंक्लूजन ऐसा गलत है, अगर आपको फर्स्ट में डाउट है, उसने कहा है नो कलर इज ए ब्रश, कह रहा है कोई भी कलर क्या नहीं है, ब्रश नहीं है, है ना? तो कलर को यहाँ पे किससे बताया हुआ है? ब्रश से बताया हुआ है, और जबकि आपको बता रखा है उसने किससे, स्टेटमेंट में कलर को बता रखा है पेंट से, कि कोई भी कलर पेंट नहीं है। देखो ये एक बिल्कुल डेफिनेट रिलेशन दे रखा है कि कोई भी कलर पेंट नहीं है, इसका मतलब निकलता है कि कोई पेंट भी क्या नहीं होगा, कलर नहीं होगा, राइट? अब उसने आपसे पूछ लिया किसको, कलर को पूछा है ब्रश से, तो ब्रश के साथ का रिलेशन मुझे नहीं पता, मुझे पता है पेंट के साथ का रिलेशन, इसलिए मेरा पहला कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर? ठीक है, तो दोनों कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन हमारी क्या है, एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव, और एक कंक्लूजन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अब ये मैंने कल भी आपको बताया था कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव की आपको आगे जरूरत पड़ेगी, बताया था ना? पॉजिटिव कब होता है, जब ऑल और सम गिवन होता है या ओनली गिवन होता है। नेगेटिव कब गिवन होता है, जब नो ऑल नॉट या आपको सम नॉट गिवन हो, है ना? कल जो बेसिक हिंट मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा था उसमें मैंने आपको बोला था कि पॉजिटिव नेगेटिव आगे आएगा, आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ। और जो मैंने एक वर्ड आपको कहा था यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब मैंने अभी कहा था कि एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। अब देखो ये अपोजिट है, कि अगर एक पॉजिटिव है तो एक क्या बनना चाहिए, नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो पहला कंक्लूजन आपको नो दे रखा है तो नेगेटिव है ना? दूसरे कंक्लूजन में ऑल दे रखा है तो क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए थर्ड कंडीशन भी आपकी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। पहली भी सेटिस्फाई है, सेकंड भी सेटिस्फाई है, थर्ड भी सेटिस्फाई है। फोर्थ कंडीशन आप वहां मैच करोगे जहां पे एक कंक्लूजन में तो ऑल दे रखा होगा और दूसरे में क्या दे रखा होगा, सम नोट, है ना? ये कंडीशन सिर्फ आपको वहां पे मैच करनी है जहां पे एक कंक्लूजन में ऑल दे रखा हो और दूसरे कंक्लूजन में सम नोट दे रखा हो। ये चीज आप याद रखना अच्छे से, कि फोर्थ कंडीशन हम वहां पे मैच करेंगे। मैं ये स्टार मार्क कर देता हूँ, फोर्थ कंडीशन के ऊपर मैं स्टार मार्क कर दिया कि फोर्थ कंडीशन आपको वहां पे मैच करनी है जहां पे एक कंक्लूजन में ऑल दे रखा होगा और एक में सम नोट दे रखा होगा। और कंडीशन है क्या, कि जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी कि एक में ऑल दे रखा है एक में सम नोट, वहां पे जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, याद रखना। एलिमेंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एलिमेंट का ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, एलिमेंट का ऑर्डर सेम कैसे करोगे, एलिमेंट का ऑर्डर सेम ऐसा होता है, देखो अगर पहले कंक्लूजन में कलर पहले दे रखा तो दूसरे में भी कलर पहले होना चाहिए, है ना? और अगर पहले में ब्रश बाद में दे रखा तो दूसरे में ब्रश क्या होना चाहिए, बाद में होना चाहिए। इसको बोलते हैं एलिमेंट का सेम होना, ऑर्डर का सेम होना, है ना? जो पहले के अंदर आपका क्या है, सब्जेक्ट है, वो दूसरे में भी सब्जेक्ट बनना चाहिए, और जो पहले में प्रेडिकेट है वो दूसरे में भी क्या होना चाहिए, प्रेडिकेट होना चाहिए, राइट? क्लियर हो गया सभी को? तो अभी यहाँ पे फोर्थ कंडीशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको तीन कंडीशन मैच करनी है। आवाज बहुत कम आ रही है, अभी भी कम आ रही है? अब राइट, अब सभी की आवाज, हाँ जी सर आवाज कम आ रही है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा लाउडली बोलने की, है ना? अभी बताना। तो मैंने क्या कहा, आइदर और आपका कहाँ पे लगता है? ठीक है, अब सही आ रही है ना? आइदर और कहाँ पे लगेगा आपका, आइदर और लगेगा जहां पे आपको दो कंक्लूजन एटलीस्ट गिवन हो गए, दो तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चार कंडीशन होती है, तो कहीं पे आपकी तीन मैच करेगी, कहीं पे आपकी चार मैच करेगी। मैं बता रहा हूँ, पहली कंडीशन क्या है कि दोनों कंक्लूजन आपके गलत होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों कंक्लूजन के अंदर एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है साइड में आपके, यहाँ पे दे रखा है, देखो पहले में कलर दे रखा है और ब्रश, दूसरे में ब्रश और कलर दे रखा है, राइट? तीसरी कंडीशन क्या है, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव, तो देखिए यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन आपको ऑल दे रखा है तो पॉजिटिव है और फर्स्ट में नो दे रखा है तो नेगेटिव है।
ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन आपकी यहाँ पे फुलफिल कर रही है। फोर्थ कंडीशन आपको वहां पे मैच करनी है जहां पे एक कंक्लूजन में ऑल देगा और दूसरे में क्या देगा, सम नोट देगा। अगर एक में ऑल है और दूसरे में सम नोट है तो वहां पे एलिमेंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पे नहीं लगानी। क्यों नहीं लगानी, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कंक्लूजन के अंदर ऑल और नो। फोर्थ आपको वहां पे लगानी जहां पे एक में ऑल देगा और दूसरे में सम नोट देगा। ठीक है, तो जहां पे भी ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी, जहां पे चार की जरूरत पड़ेगी चार, जहां पे तीन की जरूरत पड़ेगी तीन। ठीक है, तो जहां पे भी ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, तीन या चार, वहां पर आपका आइदर और लगेगा, ना कि नाइदर और नो। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो आपका आंसर होगा नाइदर। ठीक है, जहां पे तीनों या चारों सेटिस्फाई करेगी वहीं पर आपका आइदर और लगेगा। तो अभी मुझे सिर्फ तीन कंडीशन की जरूरत है इस क्वेश्चन में, और तीनों कंडीशन मेरी मैच कर रही है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो आंसर हो गया आपका आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, है ना। इसका मतलब होता है या तो पहला सही या फिर दूसरा, है ना, या तो पहला या दूसरा। अगर पहला सही दूसरा गलत, दूसरा सही तो पहला गलत, राइट। अब बताइए, अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं दोबारे से डिस्कस करता हूँ, जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बताइए। क्लियर है सभी को? वेरी गुड। हाँ, अगर आपको ये कंडीशन, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है ना, पीडीएफ में आगे मैंने दे रखा है आइदर ओर का कॉन्सेप्ट, इसी पीडीएफ में, मे भी हो सकता है 11th या 12th पेज हो, उस पे से आप लोग अच्छे से नोट कर लेना अपनी कॉपी में। क्लियर है सभी को? हो गया, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद करना है ना, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 9 मैं कराता हूँ आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 मैं करा रहा हूँ आपको। चलिए आ जाइए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कह रहा है ऑल एग्जाम आर टेस्ट। फर्स्ट आपको क्या बोल रहा है, ऑल एग्जाम आर टेस्ट, तो आपको बोल रहा है कि सभी एग्जाम क्या है, टेस्ट है। देखो जितने क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं खुद से। अगर नहीं होता तो बिल्कुल आप मुझे, जो आपका डिस्कशन वाला ग्रुप है, आप उस पर फालतू की चीजें, फालतू की बातें भी तो करते हो, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फालतू की बातें करते रहते हैं ना, वो आपको दिया हुआ है कि आप उस पर क्वेश्चन डिस्कस करो, है ना। वो हमें ही पता है कि कुछ क्लास आपकी नहीं हो पा रही, प्रॉब्लम है, हम भी जानते हैं, हम भी चाहते हैं कि आपकी सभी क्लास हो, लेकिन नहीं हो सकती, क्या करें, प्रॉब्लम है। ठीक है, और कोशिश हमारी तरफ से पूरी है कि हो जाए, इसलिए आपकी क्विज भी रोजाना अपडेट हो रही है, जितना क्लास में हो रहा है उतना क्लास में करवाया भी जा रहा है आपसे। ठीक है, तो आपको उस पर जो भी आपको डाउट लगेगा पीडीएफ के अंदर, जितने क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, अगर नहीं होता तो आप एकदम से उस पर भेज दो। ठीक है, मैं डेफिनेट आपको सोल्यूशन सेंड करूंगा।
लेकिन आप सेंड तो करो, आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है आप सेंड करो उस पर, मैं आपको डेफिनेट कह रहा हूँ आपको सॉल्यूशन मिलेगा जल्द से जल्द उसका, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से पहले ही मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको करना है, आप करोगे तभी मैं सेंड कर सकता हूँ, अदरवाइज मुझे क्या पता कि किसका क्या डाउट है, ठीक है। तो अब इसने कहा है ऑल एग्जाम आर टेस्ट, तो जितने भी एग्जाम बनाए उसके बाहर क्या होगा, टेस्ट होगा, तो ये हो गया आपका टेस्ट। फिर कह रहा है नो टेस्ट इज ए क्वेश्चन, कोई भी टेस्ट क्या नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, तो ये आपका बन गया इस तरीके का वेन डायग्राम, राइट। अब इसने पहले क्या पूछा है, पहला कंक्लूजन पूछ रहा है एटलीस्ट भी दे रखा है और सम भी दे रखा है, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि एटलीस्ट का मतलब खुद पे खुद सम होता है ना, तो इसका मतलब है कि सम एग्जाम आर क्वेश्चन कह रहा है, कुछ एग्जाम क्या है, क्वेश्चन है, तो आप खुद देखो क्या एग्जाम का कुछ पार्ट क्वेश्चन में है, यहाँ पे तो एक निगेटिव रिलेशन दिख रहा है, बीच में क्या दिख रहा है, निगेटिव रिलेशन दिख रहा है ना, तो पहला कंक्लूजन आपको क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड में कह रहा है नो एग्जाम इज ए क्वेश्चन, कह रहा है कोई भी एग्जाम क्या नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, तो देखिए आपको बताया हुआ है कि कोई भी टेस्ट क्या नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, दे रखा है ना, कोई भी टेस्ट क्वेश्चन नहीं है, अब टेस्ट के अंदर कौन है, एग्जाम, तो जब कोई भी टेस्ट क्वेश्चन नहीं है तो इसका मतलब कोई भी एग्जाम भी क्या नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं होगा, है ना, क्योंकि टेस्ट के अंदर एग्जाम है ना, तो जब बाहर वाले को मना किया हुआ है तो अंदर वाले को ऑटोमेटिक मना हो जाएगी, ठीक है। तो सेकंड वाला कंक्लूजन आपका क्या हो गया, सही हो गया, फर्स्ट रॉन्ग सेकंड सही, तो ऑप्शन आपका मैच कर गया यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन राइट। अंजलि आइदर और नहीं होगा बेटा, अच्छे से क्वेश्चन को देखो और उसमें क्या पूछना चाह रहा है वो भी अच्छे से मैच करो, हो गया क्लियर सभी को, हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर अपना आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, घर पे क्वेश्चन होगी, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग खुद से करोगे घर पे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी आपको खुद करना है, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपका देखो ये आइदर और का मैंने पूरा आपको क्लियर यहाँ पे स्लाइड गिवन है, ये आप लोग फेयर कर लेंगे अपनी कॉपी में, अब इसको नोट करने के बाद फिर मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 12, ये भी आपका होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है इसी तरीके से, है ना। अब आपको पांच ऑप्शन गिवन है, तो आप पांच ऑप्शन के तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अब 13 में कराता हूँ आपको, है ना, ये मैं आपको करा रहा हूँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में करा देता हूँ, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन मैंने आपको कही है वो क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, पहला ये क्वेश्चन आपको 13 गिवन है कि ऑल फैंस आर टेलीविजन, तो आप फैंस बना लो, ये फैंस हो गए, और कह रहा है सभी फैंस क्या है, टेलीविजन है, तो आपने यहाँ पे बाहर बना दिया टेलीविजन, राइट। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है सम टेलीविजन आर चैनल, कह रहा है कुछ टेलीविजन क्या है, चैनल है, ठीक है। फिर कह रहा है सम चैनल आर रेडियो, कुछ चैनल क्या है, रेडियो है, तो ये आपका वेन डायग्राम बन गया, और इस वेन डायग्राम में आपको ये ऑप्शन मैच करने हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कि सम फैंस आर चैनल, सर बॉक्स पजल है वो इंग्लिश में सही है या हिंदी में, इंग्लिश में पता नहीं, आंसर मैच नहीं कर रहा, इंग्लिश से आपने जो पीडीएफ भेजी थी उसमें तो हिंदी वाली सही है, सर नाइदर नो क्वेश्चन, अच्छा मैंने उसमें आपको आंसर भी दे रखे हैं, हाँ आप आंसर मैच कर लो एक बार, मैंने आपको कहा हुआ है आपको पीडीएफ इस तरीके से दे रखी है कि आप इंग्लिश में भी पढ़ लो हिंदी में भी पढ़ लो, अगर आपको लग रहा है कि इंग्लिश में या हिंदी में कुछ मिसप्रिंट है तो आपको जो बेटर लगे वो कर लो, ठीक है, हिंदी में देख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पहले में क्या कहा है, कह रहा है सम फैंस आर चैनल, कह रहा है कुछ फैन क्या है, चैनल है, तो देखो क्या फैन वाले सर्कल का कुछ पार्ट चैनल के अंदर है, नहीं है ना, टेलीविजन का दे रखा है, टेलीविजन कुछ टेलीविजन क्या है, चैनल है, फैन तो नहीं है ना, तो इसलिए पहला कंक्लूजन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकंड में कह रहा है कुछ रेडियो क्या है, टेलीविजन, देखो क्या रेडियो वालों का कुछ पार्ट टेलीविजन के अंदर है, नहीं है, चैनल के अंदर दे रखा है, टेलीविजन तो नहीं है, तो सेकंड भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ दोनों कंक्लूजन आपके गलत है, तो आइदर और की बात करेंगे क्योंकि दोनों कंक्लूजन गलत हो रहे हैं,
तो आइदर और के लिए पहली कंडीशन क्या थी, दोनों गलत होने चाहिए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन क्या थी, दोनों में एलिमेंट सेम, तो पहले में दे रखा है फैन और चैनल, दूसरे में दे रखा है रेडियो और टेलीविजन, तो एलिमेंट तो यहाँ पे सेम नहीं है, तो दूसरी कंडीशन मेरी क्या हो गई, गलत हो गई। अगर दूसरी कंडीशन ही गलत हो गई तो आपको बाकी कंडीशन मैच करने की जरूरत नहीं है, आप उसका आंसर क्या लगा दो, नाइदर। और मैंने अभी कहा था कि अब आपको पांच ऑप्शन दे रखे, आइदर भी दे रखा, नाइदर भी दे रखा, बोथ भी दे रखा, फर्स्ट भी दे रखा, सेकंड भी दे रखा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नाइदर फर्स्ट नॉर बी सेकंड, नाइदर फर्स्ट नॉर बी सेकंड, ना तो पहला और ना ही दूसरा। क्लियर हो गया सभी को, राइट? अगर कोई कंडीशन मैच नहीं करती तो उसके बाद की कंडीशन आप लोग मत लगा के देखो, वहीं से आपका आंसर चेंज हो जाएगा, वहीं से आपका आंसर बन जाएगा नाइदर का। राइट? क्लियर है सभी को, क्लियर है ये अच्छे से? वेरी गुड। फर्स्ट कहाँ पे मैच कर रहा है, फर्स्ट, हाँ फर्स्ट मैच कर रही है, आप ये कह रहे हो कि फर्स्ट कंडीशन मैच कर रही है लेकिन सेकंड नहीं मैच कर रही। मैंने अभी कहा था जहाँ पे आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी सभी की सभी कंडीशन, वहां पे आपका आइदर और आएगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आंसर आपका कायमा कन्वर्ट हो जाएगा नाइदर में। फर्स्ट कंडीशन आपकी मैच हो रही है, सेकेंड मैच नहीं हो रही है, इसलिए आपका आंसर बन गया नाइदर। राइट? आज एक ही क्लास है, आपको क्या करना है अब मैं आपको बता देता हूँ। इसके जो रेस्ट क्वेश्चन है ना, इस पीडीएफ के जो रेस्ट क्वेश्चन आपके है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 तक मैंने करा दिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, है ना, क्वेश्चन नंबर 15 तक आप लोग को होमवर्क है, ये आप लोग खुद से ट्राई करोगे, है ना, और फिर क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग कल ट्राई करेंगे, ठीक है। आज एक ही क्लास है, आप लोग ये ट्राई करो, ठीक है, फिर मैं आपको कल पॉसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और ये बचे हुए क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है, ओके, सभी को क्लियर है? चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, सभी लोग अच्छे से अपने घर में रहो, ठीक है, बाहर नहीं जाना है।